नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जी एस वाइनी रसर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी में पूरी ईमानदारी के साथ व्यस्त होंगे। तैयारी आप टीजीटी आर्ट की कर रहे हैं तो आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट की तैयारी में व्यस्त हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। और व्यस्त रहिएगा मित्रों तैयारी में। आज सुबह 40 क्वेश्चन का एक एमसीक्यू टेस्ट हमने स्टार्ट किया, चल रहा था, क्लास एकाएक बंद हो गई, आपने देखा होगा। कुछ ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाए थे तब तक एकाएक नेटवर्क शटडाउन हो गया और इंटरनेट की वजह से ही क्लास संभव है मित्रों, तो टेक्निकल इशूज के चलते क्लास बंद हो गई, तो उसके लिए हमें खेद है। फिलहाल ये क्लास आपको 2 बजे हम प्रोवाइड कराने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हालांकि परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं मिल पाया है, जो अभी इंजीनियर विजिट करेगा उसके बाद ही सही होगा, लेकिन ये आपका जो क्लास है ये हम 2 बजे प्रोवाइड कराने का प्रयास कर रहे हैं। आइए क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सोहनी माहिवाल पंजाब के किस चित्रकार की प्रसिद्ध पेंटिंग है? नाम शोभा सिंह का है, कृपाल सिंह शेखावत का है, जहांगीर शाबा वाला है और मौला राम का नाम दिया गया। सोहनी माहिवाल की बात हो रही है और जब हम सोहनी माहिवाल की बात करते हैं मित्रों तो ये बढ़िया पेंटिंग है शोभा सिंह की। आप जब राइट आंसर्स लगाएंगे तो फर्स्ट के साथ लगाएंगे, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा, आपसे कह रहा है लोक कला, आदिवासी कला और शमशामी कला केंद्र हैं। नाम दिया गया नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली का, MS विश्वविद्यालय वडोदरा का, भारत भवन भोपाल का और कॉलेज ऑफ आर्ट्स नई दिल्ली का। लोक कला, आदिवासी कला और समसामयिक कला का जो केंद्र है मित्रों, वो केंद्र आपका मध्य प्रदेश में भोपाल शहर में है, भारत भवन नाम होता है। सही जवाब आपको सी के साथ देना पड़ता है, सी इज द राइट आंसर लगाइएगा। आगे चलेंगे, 57 नंबर क्वेश्चन आएगा, आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन ख्याति नाम आधुनिक गोंड चित्रकार है? नाम मोहंती सिंह का है, जनगढ़ सिंह श्याम का है, ब्रजलाल का है और रामवीर का नाम दिया गया। कौन जो है वो ख्याति नाम आधुनिक गोंड चित्रकार है मित्रों, तो उसका जो नाम बनता है वो जनगढ़ सिंह श्याम बनता है, इसलिए जब राइट आंसर्स की बारी आएगी तो शी के साथ आंसर्स लगाना पड़ जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे, कह रहा है कार्ले का विशाल चैत्यग्रह कहाँ है? नाम गुजरात में है, राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है या फिर केरल में। कार्ले का विशाल चैत्यग्रह जो है वो कहाँ पे है, तो वो चैत्यग्रह की अगर हम बात करते हैं, राइट आंसर्स महाराष्ट्र बनता है। सही जवाब हम बी के साथ लगाते हैं, बी इज़ द राइट आंसर्स बनाते हैं। आगे चलेंगे, 59 नंबर क्वेश्चन आएगा, पूछा जा रहा है आपसे बंगाल शैली के कलाकार नहीं हैं। नाम सुरेंद्र कर का है, रतिन मित्रा का है, शैलेंद्र नाथ का है और मुकुल चंडे का नाम दिया गया। बंगाल शैली के कलाकार नहीं है पूछा जा रहा मित्रों, तो रथिन मित्रा बंगाल शैली से संबंध नहीं रखते। राइट आंसर्स आपको यहाँ सी के साथ बनाना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर्स लगा लूँ। 60 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं, मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय मिला मित्रों? नाम हुमायूं का है, जहांगीर का है, अकबर और शाहजहां का नाम दिया गया। मुगलिया शैली में जो व्यक्ति चित्रण है उसका विशेष स्थान जो मिलता है वो अकबर के टाइम पीरियड पे मिलता है। राइट आंसर्स आप बी के साथ लगाओ, बी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। आगे चलेंगे, 61 नंबर क्वेश्चन आएगा, गौतम बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ मित्रों? नाम गया का है, सारनाथ का है, कुशीनगर और नालंदा का नाम दिया गया। अगर निर्वाण की बात आती है मित्रों तो जो राइट आंसर्स बैठता है वो आपका गया बैठता है, फर्स्ट के साथ आंसर्स लगता है। अगला क्वेश्चन 62 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है माइकल एंजेलो ने पीसा के युद्ध का दृश्य अंकित करने हेतु जो रेखा चित्र बनाए वे किस नाम से विख्यात है? नाम स्नानार्थी का है, सोल्जर्स का है, मैडोना और दुनिया का नाम दिया गया। माइकल एंजेलो ने पीसा के युद्ध में जो दृश्य बनाए थे मित्रों वो किसके लिए बनाए थे, आपसे ये पूछा जा रहा है। अगर पीसा के दृश्य की हम बात करते हैं तो जो राइट आंसर्स बैठेगा वो क्या बैठेगा मित्रों, अगर राइट आंसर्स की ही बारी आएगी तो यहाँ पर जो सही जवाब बनता है वो सोल्जर्स के साथ बैठेगा। सही जवाब आपको यहाँ पर शी के साथ लगाना पड़ जाएगा, सी इज द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। आगे चलेंगे, 63 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे गिरा, कनिष्क मूर्ति किस काल में बनी थी?
गुप्त काल का है, शुंग काल का है, मौर्य काल का है और कुषाण काल का नाम दिया गया। कनिष्क की मूर्ति आपसे पूछा गया कौन से टाइम पीरियड की है, तो राइट आंसर कुषाण काल बनता है मित्रों। सही जवाब आपका डी के साथ लग जाता है, डी इज द राइट आंसर्स बनाते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ज्योत्सना भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध है, नाम सिरेमिक का है, ग्राफिक का है, चित्रकला का है और वास्तुकला का नाम दिया गया। ज्योत्सना भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध है, अगर ज्योत्सना भट्ट की बात आती है तो जो सही जवाब बनता है वो सिरेमिक आर्ट के लिए बनता है। राइट आंसर हम फर्स्ट के साथ लगाते हैं, ए इज द राइट आंसर बनाते हैं। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन 65 नंबर आता है। आपसे कह रहा है अबुल हसन किसका पुत्र था, नाम अकारजा का है, मीर मंसूर का है, अबू शमद का है और बेहजाद का नाम दिया गया। अबुल हसन किसका पुत्र था आपसे पूछा जा रहा है, अगर अबुल हसन की बात आती है मित्रों तो राइट आंसर आप अकारजा लगाते हैं, फर्स्ट के साथ सही जवाब बनाते हैं, ए इज द राइट आंसर बैठता है। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1890 ग्रुप के कौन है, नाम हिम्मत शाह का है, नटवर शाह का है, जुगू भाई शाह है और सतीश गुजराल का नाम दिया गया। 1890 ग्रुप में कौन है, 1890 ग्रुप की बात आए तो हिम्मत शाह के साथ आंसर्स लगाना पड़ता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाना पड़ता है। आगे चला जाए, 67 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चित्तौड़गढ़ में स्थित विक्ट्री टावर जो विजय स्तंभ है, वो विजय स्तंभ की स्थापना महाराणा कुंभा ने 1440 ईस्वी में मालवा के शासक पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में करवाया था, इसकी ऊंचाई क्या है, नाम 30 मीटर का है, 37 मीटर का है, 35 मीटर का है और 37.19 मीटर का नाम दिया गया। विक्ट्री टावर के बारे में पूछा जा रहा है हाइट क्या है मित्रों, जो आपके राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया, तो 37.19 मीटर है। राइट आंसर डी के साथ लगाना, चित्तौड़गढ़ वाला विक्ट्री टावर 37.19 मीटर ऊँचा है। राइट आंसर डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 68 नंबर आएगा, आपसे पूछा जा रहा है प्रसिद्ध चित्र भिखमंगे, भिखमंगे द बेगर्स के चित्रकार कौन है, नाम नंदलाल बोस का है, अमणि रंजन राय का है, एमएफ हुसैन का है और अमृता सिरगल का नाम दिया गया। वेगर्स के बारे में पूछा गया, तो ये भिखमंगे रचना मित्रों अमृता सिरगल की रचना है, इसलिए जब राइट आंसर्स की बारी आए तो आप डी के साथ आंसर्स लगाओ, डी इज द राइट आंसर्स बैठ जाएगा। आगे चला जाए, 69 नंबर आता है, पूछा गया पागल हत्यारा नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है, नाम देलाकरा का है, अग्र का है, जरिको का है और गोया का नाम दिया गया। पागल हत्यारा के बारे में पूछा गया, पागल हत्यारा जो रचना है मित्रों ये जरिको की है, राइट आंसर जरिको बनेगा, बी के साथ राइट आंसर्स लग जाएगा। आगे चलेंगे, 70 नंबर क्वेश्चन आएगा, ग्रुप 1890 का कौन सा कलाकार प्रसिद्ध चित्रकार है, कवि है और कला इतिहासकार भी रहा, नाम दिया गया जीएम शेख का, एम ए पांड्या का, नीलिमा शेख का और ज्योति भट्ट का नाम दिया गया। 1890 का सदस्य है, चित्रकार भी है, कवि भी है और इतिहासकार भी है, तो इन सभी में जो सिद्धस्थ है मित्रों सभी के लिए पारंगत हैं, उनका नाम जीएम शेख है यानी गुलाम मोहम्मद शेख। राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 71 नंबर आपके स्क्रीन पर ये रहा, पूछा जा रहा है वस्तुनिष्ठ द्वारा हम सीखते हैं संयोजन, ठोस रूप का चित्रण, रंग संयोजन या फिर उपरोक्त सभी, वस्तुनिष्ठ द्वारा हम क्या सीखते हैं मित्रों, तो वस्तुनिष्ठ में हम रंग संयोजन भी सीखते हैं, संयोजन भी सीखते हैं और उसके साथ ठोस रूप का चित्रण भी सीखते हैं, इसलिए जब राइट आंसर्स की बारी आएगी तो ऑल ऑफ दीज यानी डी के साथ आंसर्स बनाना पड़ जाएगा। आगे चलें, 72 नंबर क्वेश्चन से कह रहा माचिस की डिबिया के आयाम होते हैं, एक आयाम, तीन आयाम, दो आयाम या फिर चार आयाम, माचिस की डिबिया आप जानते हैं कैसा होता है, ऐसा होता है ना माचिस की डिबिया, सीधा देखिएगा ऐसे होता है, माचिस की डिबिया हरदम जो है थ्री डायमेंशनल है, घन के आकार में है, तो सही जवाब आपका जो है घन हो या आयत हो या ईंट हो, तो ये सब कैसे होते हैं, थ्री डायमेंशनल होते हैं, इसलिए राइट आंसर्स की जब बारी आएगी तो आपको सी के साथ आंसर्स यहाँ पे मिलान करना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 73 नंबर आएगा मित्रों, पूछ रहा है कौन सा कला आंदोलन गति पर आधारित था, नाम भविष्यवाद का है, दादावाद का है, किरणवाद का है और प्रभाववाद का नाम दिया गया। कौन सा कला आंदोलन है जो गति पर आधारित रहा है, तो भविष्यवाद का जो आंदोलन है वो गति पर आधारित था मित्रों, फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाओ। 74 नंबर क्वेश्चन पे चलें, वैदिक कालीन चित्रकला के अवशेष कहाँ पाए गए, नाम एलोरा का है, अजंता का है, जोगीमारा का है, मोहन जोदड़ो का नाम दिया गया। वैदिक कालीन चित्रकला के जो अवशेष मिलते हैं मित्रों वो आपके जोगीमारा में मिल जाते हैं, तो राइट आंसर जोगीमारा गुफा लगाओ। और आगे चला जाए तो अगला क्वेश्चन 75 नंबर आएगा, पूछा गया प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम किन के द्वारा देख सकते हैं, दर्पण के द्वारा, दूरबीन के द्वारा, प्रिज्म के द्वारा या फिर एक्सरे के द्वारा। प्रकाश में उपस्थित जो रंग है मित्रों अगर उन्हें हमें देखना है तो प्रिज्म लगाना पड़ेगा, विज़ोर में बढ़ जाएंगे, सही जवाब हमें प्रिज्म लगा के देखना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा।
आगे चलें। 76 नंबर क्वेश्चन आता है, कह रहा जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर की बनाई हुई पेंटिंग व रेखा चित्रों को जून 2015 में एक नीलामी में कुल कितने रुपए में मिले? 4 लाख यूरो में मिले, 1.1 लाख यूरो में मिले, 2.5 लाख यूरो में मिले या फिर 5 लाख यूरो में मिल गए? पूरी जो नीलामी हुई वो 4 लाख यूरो में हुई। राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज़ द राइट आंसर बनाओ। आगे चला जाएगा, 77 नंबर क्वेश्चन आता है आपसे, कह रहा है मित्रों शौर मंदिर, शौर मंदिर जो 700 से 728 ईस्वी के मध्य का है, इसका निर्माण महाबलीपुरम में किसने कराया था? नाम महेंद्र वर्मन फर्स्ट का है, नरसिंह वर्मन सेकंड का है, नरसिंह वर्मन फर्स्ट का है या फिर महेंद्र वर्मन सेकंड का है? आपसे शौर मंदिर के बारे में पूछा गया, महाबलीपुरम में स्थित है मित्रों, नरसिंह वर्मन सेकंड बनवाते हैं, तो राइट आंसर सी के साथ बनता है, सी इज़ द राइट आंसर लगाते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए, 78 नंबर क्वेश्चन से, कह रहा है 2004 की सुनामी में किस मंदिर समूह को भारी क्षति हुई थी? नाम सोर टेम्पल का है, जनता टेम्पल का है, श्रीरंग टेम्पल का है और मेदुरा टेम्पल का नाम दे दिया गया। 2004 की सुनामी में कौन सा मंदिर ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुआ मित्रों? तो सोर टेम्पल ही सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुआ था। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज़ द राइट आंसर बनो। आगे चला जाएगा, 79 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है, 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मित्रों, कला भवन शांति निकेतन की वर्तमान निर्देशक कौन है? ये जब बुक छपी थी तब के हैं, याद रखना है, सोमनाथ हो रहे हैं, सत्यजीत राय हैं, आर शिव कुमार हैं या फिर जयश्री हैं? आपसे कला भवन शांति निकेतन के बारे में पूछा गया कि वर्तमान निर्देशक कौन है मित्रों, तो आर शिव कुमार उस टाइम थे। सही जवाब बी के साथ लगाना। जब पेपर नज़दीक आएगा हम निश्चित रूप से सभी को लेटेस्ट में करवा देंगे कौन कहाँ पर क्या है, ठीक है। आगे 80 नंबर क्वेश्चन आता है, दृष्टि शातव्य किसका प्रसिद्ध चित्र है? पाब्लो पिकासो का है, लियोनार्डो दा विंची का है, सल्वाडोर डाली का है या फिर सेजान का है? आपसे दृष्टि सातत्य की बात होती है, तो दृष्टि सातत्य जिसका बढ़िया चित्र है वो डाली है। सही जवाब सल्वाडोर डाली, राइट आंसर्स बन रहा है, बी के साथ हम आंसर्स लगाते हैं। 81 नंबर क्वेश्चंस पढ़ते हैं, कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता किस अवधि की है? नाम 2700 से 1700 ईसा पूर्व का है, 4000 से 3300 ईसा पूर्व का है, 2875 से 1100 ईसा पूर्व का है या फिर 4000 से 3600 ईसा पूर्व का नाम दिया गया? सिंधु घाटी सभ्यता कौन से टाइम पीरियड की है मित्रों? तो सिंधु घाटी सभ्यता आपका 2700 से 1700 ईसा पूर्व की है। राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। आगे चलें, 82 नंबर क्वेश्चन आता है, प्रगतिवादी समूह के कलाकार योग तेंदो किस रूप में जाने जाते हैं? नाम पेंटर का है, मूर्तिकार का है, प्रिंट मेकर का है और धातु ढलाई कार का नाम दे दिया गया। प्रगतिवादी समूह के जो कलाकार हैं गोय तोंदे किस रूप में जाने जाते हैं मित्रों? तो गोय तोंदे की अगर प्रसिद्धि देखी जाए तो पेंटर के रूप में आता है। राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ बनता है, ए इज़ द राइट आंसर्स लगा लेना है। अगला क्वेश्चन 83 नंबर आएगा, प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस 100 वर्षों की अवधि में बनके तैयार हुआ? नाम 950 से 1050 ईसा पूर्व है, 850 से 950 ईसा पूर्व है, 950 से 1050 ईसा है या फिर आपसे पूछ लिया गया मित्रों कि 850 से 950 ईस्वी? खजुराहो मंदिर की बात हो रही है, 100 वर्षों में बनके तैयार हुआ था मित्रों, वो आपका 950 से 1050 ईस्वी में बना था। तो राइट आंसर आप बी के साथ लगाना, ईसा पूर्व मत लगाना, बी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। आगे चला जाएगा, 84 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों, रेम्ब्रांड को जाना जाता है उनके लयात्मक चित्र के लिए, ज्यामितीय चित्र के लिए, नाटकीय प्रकाश के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं? रेम्ब्रांड को जाना जाता है किस रूप में? तो रेम्ब्रांड आपके नाटकीय प्रकाश के लिए ज़्यादा फेमस है। राइट आंसर सी के साथ लगा लो, सी इज़ द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 85 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा, आपसे कह रहा है वाटर लिली नामक पेंटिंग श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई थी? नाम अमृता सहगल का है, क्लॉद मोनेट का है, नाम अमरनाथ सहगल का है और एदगार मोनेट का नाम दे दिया गया। वाटर लिली के बारे में पूछा गया, अगर वाटर लिली रचना पूछी जाती है मित्रों तो ये क्लॉद मोनेट की रचना है। राइट आंसर आप क्लॉद मोनेट लगाइए, सी के साथ आप सही जवाब बनाइए। अगला क्वेश्चन 86 नंबर आता है, पूछा गया कॉन्डिस्की का जन्म कहाँ हुआ था? मॉस्को में, पेरिस में, जर्मनी में या फिर स्पेन में? कॉन्डिस्की का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? तो मॉस्को में हुआ था। राइट आंसर्स मास्को लगाओ, फर्स्ट के साथ आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 87 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, दिल्ली में कुतुब मीनार के समीप जो है वो आयरन पिलर है, लौह स्तंभ है, उसका निर्माण किसने कराया? नाम अशोक का है, समुद्रगुप्त का है, चंद्रगुप्त मौर्य का है और चंद्रगुप्त सेकंड का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया। लौह स्तंभ जो आयरन पिलर है मित्रों वो दिल्ली में कुतुब मीनार के समीप है, कौन बनवाता है? तो चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा बनाई गई वो स्थापत्य कला है। सही जवाब आप डी के साथ लगाओ, डी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ।
आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन 88 नंबर आता है। पूछ लिया गया यामिनी रंजन राय की पेंटिंग किस माध्यम में बनी है, नाम वास का है, टेम्परा का है, आयल का है और पेस्टल का नाम दिया गया यामिनी रंजन राय। यामिनी रंजन राय जिन्हें भारत का पिकासो कहा जाता है, टेम्परा माध्यम में ज़्यादा रचनाएँ हैं। तो राइट आंसर्स आप क्या लगाओगे, टेम्परा लगाओ, शी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। आगे चला जाए 89 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा विश्व भारती के प्रथम कुलपति कौन थे, नाम नंदलाल बोस का है, रविन्द्रनाथ टैगोर का है, अवनींद्रनाथ टैगोर का है और सुशांत दत्त गुप्त का नाम दिया गया। विश्व भारती के प्रथम कुलपति कौन थे आपसे पूछा गया, तो विश्व भारती के जो पहले कुलपति बनाए गए थे वो रविन्द्रनाथ टैगोर बनाए गए थे। सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। आगे चला जाए 90 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, महाबलीपुरम मंदिर समूह को यूनेस्को ने कब विश्व विरासत संपत्ति घोषित किया, 1983, 1983, 1983, 1982, 1982, 1984। आपसे महाबलीपुरम मंदिर के बारे में पूछा गया कि यूनेस्को ने अपने अंडर में कब लिया, विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया, तो 1984 आंसर्स बनता है, 1984 के साथ आपको आंसर्स मिलान करना पड़ता है। आगे चला जाए मित्रों, अगला क्वेश्चन 91 आ जाता है, आपसे पूछ लिया गया मदुरई में स्थित मीनाक्षी मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर किसे समर्पित है, दुर्गा जी को, लक्ष्मी जी को, पार्वती जी को या फिर सरस्वती जी को। अगर मीनाक्षी मंदिर की बात आती है तो मीनाक्षी मंदिर पार्वती जी को समर्पित है मित्रों। राइट आंसर्स आप बी के साथ लगाओ, बी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। आगे 92 नंबर क्वेश्चन आएगा, सांची स्तूप कहाँ पर स्थित है, नाम उज्जैन का दिया गया, भोपाल का दिया गया, विदिशा और इंदौर का नाम दिया गया। सांची स्तूप कहाँ स्थित है मित्रों, तो सांची स्तूप आपका विदिशा में है। राइट आंसर्स आप बी के साथ लगाना, बी इज़ द राइट आंसर्स बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हम 93 नंबर पढ़ेंगे, देवगढ़ का विष्णु मंदिर कब बनना शुरू हुआ, ना 5वीं सदी, 7वीं सदी, 6वीं सदी या फिर 9वीं सदी। देवगढ़ का जो विष्णु मंदिर है मित्रों वो कब बनना स्टार्ट होता है, तो 5वीं सदी में जो है वो शताब्दी में बनना स्टार्ट हो जाता है। राइट आंसर्स हम फर्स्ट के साथ लगाते हैं, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाते हैं। अगला क्वेश्चन 94 नंबर है, पूछा गया इनमें से कौन बंगाली शैली का जो है चित्रकार नहीं था, नाम शारदा चरण उकील का है, मुकुल चंडे का है, सुधीर रंजन खासदगीर का है और ईश्वरी प्रसाद का नाम दिया गया। बंगाल शैली के किसका संबंध नहीं है मित्रों, तो बंगाल शैली में इन चारों ऑप्शंस में आप ईश्वरी प्रसाद का नाम नहीं जोड़ेंगे। राइट आंसर यही बनेगा, डी के साथ आंसर्स लगाओ, डी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अब आपका टेस्ट कंप्लीट होता है, इस 40 क्वेश्चंस में आपका स्कोर क्या रहा, ईमानदारी के साथ बताना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे नोटिफिकेशन समय से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ समय से ले सकें। मिलते हैं शुरू में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट, जय हिंद।